लगमा पंचायत सचिवालय के प्रांगण में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीडियो देवानंद राम, मुखिया नारायण दास यादव, जिला परिषद सदस्य नंद गोपाल यादव, बीस सूत्री अध्यक्ष उषा देवी, उप प्रमुख संजय यादव, उपाध्यक्ष दिवाकर मिश्र, सांसद प्रतिनिधि सकी चंद प्रजापति, भाजपा नेता राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जनता दरबार में पेंशन, खाद्य सुरक्षा, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, आवास समेत सभी विभाग का स्टॉल लगाया गया था। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि सगमा में खाद्य सुरक्षा के सूची में नाम शामिल है व प्रधानमंत्री आवास योजना के सूची में पूंजीपतियों व पक्का मकान वाले लोगों का नाम शामिल है। वीडियो देवानंद राम ने कहा कि जांच कर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को सूची में नाम शामिल नहीं है उसका नाम जोड़ा जाएगा। जनता दरबार में सबसे अधिक शौचालय निर्माण का राशि भुगतान व डीलर संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वीडियो देवानंद राम ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे या जनता दरबार के तहत प्रत्येक पंचायत में जनता दरबार लगाकर सभी लोगों की शिकायत सुना जा रहा है व उसका समाधान निकाला जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि अजय गुप्ता, पंचायत सेवक रुपेश तिवारी, रोजगार सेवक रामचंद्र पांडे, बीपीओ चंद्रशेखर चौबे, गणेश भुइया, राजेश बैठा सहित कई लोग मौजूद थे। सगमा प्रखंड के कटहर कला पंचायत में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आवास में गृह प्रवेश किया गया। मौके पर वीडियो देवानंद राम ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब गुरबों को दिए गए आवास का निर्माण कर झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सभी निर्माण आवास को सामूहिक गृह प्रवेश करा दिया जाएगा। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र यादव ने कहा कि पीएम आवास देकर गरीबों का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जो गरीब झोपड़ी में रहा करते थे वो आज पक्के के मकान में रहेंगे। मौके पर जिला परिषद सदस्य नंद गोपाल यादव, उप प्रमुख संजय यादव, सगमा मुखिया नारायण दास यादव, कटहर कला के मुखिया कलावती देवी, रुपेश तिवारी, चंद्रशेखर चौबे, राजेश बैठा, राजेंद्र राम, नागेंद्र विश्वकर्मा, दिवाकर मिश्र, रणधीर यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।